बीच में मत परिवार से भी प्यारा है हमारे अरे चुप कीजिए दो मिनट किनके लिए फारूक अब्दुल्ला की दुकानदारी खत्म महबूबा की दुकानदारी खत्म इन नेताओं की दुकानदारी खत्म नमस्कार आप देख रहे हैं हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप लातों के भूत बातों से नहीं मानते पत्थर के भूत बातों से नहीं मानते सुना जा आपने इमरान खान को कश्मीर हमारा इमरान खान उस पर चिल्ला रहे दरअसल मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद से ही जिस तरह के शॉक की परिस्थिति में इमरान खान चले गए हैं नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा है जो मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है अब उनका परिचय आपसे करा दें सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए ये सवालों का जवाब देंगे इरफान हफीज लोन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एमएस बिट्टा साहब चेयरमैन है ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेजर जनरल एके सिवात साहब है जो सेना का पक्ष रखेंगे आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं तुम्हारा रस करंट लगे खैर मोदी के नाम से ही जोरदार करंट लगा और गीदड़ भभकी देने वाले बेदम हो गए पहले तो मैं इनको भी कहना चाहूंगा और इमरान खान को भी कहना चाहूंगा जरूर सुनेंगे सदियों से कश्मीर है मेरा अब भी मुझसे दूर नहीं तू मांग रहे कश्मीर मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है मत करना धमाके की बात भारत का हर एक पत्थर परमाणु है जो ईंट और पत्थर का है। अशोक जी आप जानते हैं पुराना कांग्रेस अब आप यहाँ से हमारे समर्थन में आइए अरे एक मिनट बीच में मत परिवार से भी प्यारा है हमारे हमारे साथ करने के लिए हमारे समर्थक अब भारत की बात होती है क्यों परेशान हो जाते हैं हम बोले बीच में क्यों परेशान हो जाते हैं पुराना कांग्रेस पर मेरे लिए क्या है प्रथम राष्ट्र पंजाब की लड़ाई लड़ी है आतंकवाद के खिलाफ शरीर अपना गवाया हमने शरीर का आधा हिस्सा गवाया 14-14 बार हमले सहे हमने अमन शांति आया खालिस्तान हमने बनने दिया कश्मीर तो मैडम समस्या ही नहीं कोई 370 धारा तो वह मुद्दा है ही नहीं ये तो मुद्दा क्यों उठाया जा रहा मुझे मालूम नहीं मैं आपको स्पष्ट कह दूं 26/11 की घटना हुई पार्लियामेंट की घटना हुई दिल्ली में बार बार बम ब्लास्ट हुए दीनानगर की घटना हुई पठानकोट की घटना हुई मुझे एक चीज बता दी इसकी जड़ क्या थी कश्मीर 370 धारा नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं बीजेपी के हमारा कोई लेना देना नहीं पर प्रथम रात को लेकर के हम उनको सपोर्ट करते उखाड़ के कैंसर की बीमारी फेंक दी बहनों के सुहागों को उजा दिया बच्चों को बचा दिया और आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा भारत देने की कोशिश की मौत का कफन बांध करके होम मिनिस्टर ने यह फैसला किया यह छोटा सा फैसला इनके कहने से क्या होता है जितनी मर्जी किताबें पढ़ ली हट गई तो हट गई अब आगे ऑक्यूपाई कश्मीर की बात होगी हम आपसे बात करना चाहते बाकी आपस में चर्चा चलती रहे कश्मीर की 370 धारा हटने के बाद देश का विकास देश की नई क्रांति देश नए मोड़ की ओर जाएगा यह युवाओं को एक नया रास्ता मिलेगा वो जड़ से खत्म कर दिया अब समस्या कितनी मर्जी करते रहो अभी अशोक जी कह रहे कि वहां पे ये प्रॉब्लम वहां क्या तो पंजाब के अंदर नहीं जब पंजाब के अंदर में निर्णय ले लिया हमें क्यों नहीं पूछा पंजाब के अंदर हमारी विधानसभा को क्यों नहीं पूछा क्या दो महीने मुख्यमंत्री बंद है मेरा घर हरमंदर साहब के सामने तीनू बंद है एक मिनट मेरा घर हरमंदर साहब के सामने मैडम हमारे घर के ऊपर गोलियां पुलिस ने फोर्स लग के खड़ी हुई हम महीना बंद रहे हम क्या सरकार को टोके अंदर हथियार गोला बारूद रोज बहनों के सुहाग 36,000 बेगुनाहों का खून हो रहा है अब इनको तकलीफ हो रही क्या अगर महीना ऐसा होकर के एक लंबा इतिहास बनेगा नए इतिहास में गैर जिम्मेदार भाषा बोल रहे हैं क्या तकलीफ है इनको कह रहे हो तकलीफ नहीं है लोगों को बंद रखो जो भी मुख्यमंत्री है बाकी जनता है जो भी करना पड़े सारे लोग जानते हैं वहां स्थिति सामान्य नहीं है भारत सरकार तरीके से यह मानती है और आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए बारी आएगी बारी बारी सब लोग सिवात साहब लेकिन आपको इमरान की बात बुरी लगती है या नहीं लगती है कि पाकिस्तान की अच्छा आप में से कितने लोगों को इमरान खान की बात बहुत बुरी लगती है हाथ उठाइए कर रहा था देखिए सर हम सबको बड़ी बुरी लगती है वर्ष के लोग फिर भाषण देने लगे आप
सड़कों पे आएंगे और हमारे साथ खड़ा हो रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के समर्थक, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे भारत के लोग आने चाहिए थे, मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान में विश्वास रखते थे, बहुत कम लोग ऐसे जो रखते थे, आज हम भी वहां पर कमजोर हो गए, शर्मिंदा हो गए। अपना टेस्ट नहीं देंगे, आपको सबका टेस्ट ले लेंगे, अपना टेस्ट नहीं देंगे। अंजना, हम तो भैया भगवान है, बिल्कुल, तो फिर बताइए ना, ये बात बताइए ना, मिलने दो। अरे आम जनता का क्या हाल होगा, कश्मीरी पंडित घरों से निकाले गए, उस वक्त आप कहां थे, बंद है, उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडित घरों से निकाले गए, जनाब बताइए। भारत का गृह मंत्री क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देते, उसकी बेटी नजर बंद है और लोग अपना वन वे डायलॉग, हिंदुस्तान ने अपना चेहरा दिखा दिया भारत की सरकार। देखिए पूछा उनके घरों में गए कभी, लोन साहब जिस ढंग से जवाब दे रहे हैं उसके लिए बड़ा फेमस फ्रेज आपको होता है LLTT, यानी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोकियो। इनसे कुछ भी बोलिए वो अपना कुछ और बोलने लगते हैं। बिट्टा साहब, ये कैसे तय होगा कि कश्मीर की असल आवाज कौन है? वो लोग जो अलग अलग जगहों पर जाकर कहते हैं कि हाय मीडिया को बंद कर दिया, कोई जानकारी नहीं आने दे रहे, फोन कॉल्स पर नहीं, जबकि इससे बोलते हैं एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। तो कीजिए उनको अमेरिका के बोलते हैं परिस्थितियां, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं एक्सप्लोसिव विस्फोटक स्थिति है वहां पर, काली पट्टी बांध लीजिए ना, आगे बोला ना राष्ट्रपति, बदतर परिस्थितियां है, बहुत खराब हालात, एक सेकेंड मिस्टर लोन, बदतर परिस्थितियां इससे पहले थी, अभी सब कुछ कोशिश यह है कि आगे की असल आवाज कौन है कश्मीर की, वो लोग जो ये रोना रो रहे हैं या फिर वो लोग जो ये मानते हैं कि विकास की राह पर एक बार आ गए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सब आगे बढ़ेंगे एकीकरण के साथ, कौन है असल आवाज? मैडम एक चीज बताइए, अमित शाह जी का आपने पार्लियामेंट में पूरा भाषण सुना होगा, मैंने अमित शाह जी को, वैसे मैं पॉलिटिशियन को बहुत कम सुनता हूं, पर उनको मैंने अच्छी तरह से सुना। अब 50,000 नौकरी, चलो 50 नहीं 40 नहीं 30,000 नौकरी, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री, अगर वहां विकास होगा इनको क्या तकलीफ है, बहनों के सुहाग नहीं उजड़ेंगे इनको क्या तकलीफ है, पत्थरबाजी नहीं होगी इनको क्या तकलीफ है, अगर हमारी फोर्सेस नक्सलाइटों को खत्म करने के लिए वहां काम करेगी इनको क्या तकलीफ है, इनकी दुकानदारियां, महबूबा मुफ्ती की दुकानदारियां, फारूक अब्दुल्ला की शुरू किया था दुकानदारियां, इनको चुप कराइएगा, इनको चुप कराइए ना, 2 मिनट, अरे चुप कीजिए 2 मिनट, फारूक अब्दुल्ला की दुकानदारी खत्म, महबूबा की दुकानदारी खत्म, इन नेताओं की दुकानदारी खत्म, और जनता जो है वहां सड़कों पे आगे आकर के नया रास्ता ढूंढ रही है, इनकी दुकानदारियां खत्म हो रही है, अगर वहां पे ये बहुत सच बोल रहे आप, बहुत सच बोल रहे, धन्यवाद, आखिर समझ ही गए लोन साहब, चलिए ताली बजा दीजिए इनके साथ, झूठ तो आप बोलते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बात पूरी कीजिए फिर मैं सिवाज साहब के पास, सर प्लीज आपके पास सबसे पहले आई थी लोन साहब, 25 दिल से रात दिन लोन साहब खुली है इस खुशी से, लोन साहब नाट्य मंच नहीं है ये, अरे प्रभु नाट्य मंच नहीं है, प्लीज सीताराम येचुरी जी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, अरे कौन है सीताराम येचुरी, कोई क्या जरूरत क्या वहां जाने की, अभी बहुत क्या जरूरत अभी जाने की, बहुत प्रथम राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र याद रखिएगा, अच्छा मुझे एक चीज, राजबानी कौन था जो भारत का मीडिया कह रहा है, आतंकवादी था या नहीं, जो इनको पूछिए राजबानी कौन था, पूछिए इनको पता चले या हिंदुस्तानी है या क्या, पूछिए पेड एजेंट्स है जो ये बोलते हैं वहाँ सब शांत, राजबानी कौन था, कश्मीर की समस्या कौन था, राजबानी नहीं, वो लोगों का थोड़ा सा मसला, आपने तो इनका हृदय परिवर्तन ही करा दिया, नहीं ये पाकिस्तान के जनता है ना, लोन साहब ड्रामे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए, ड्रामा है ये, क्यों ड्रामा है, क्यों ड्रामा है, बाकी लोग अपनी बात कह रहे हैं वैसे आप भी कहिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए, तहजीब के तहत तो बहस होगी, प्लीज प्लीज मिस्टर लोन, मिस्टर लोन कश्मीर में एक भी बात पूरी कीजिए, अरे आप कश्मीरी कर रहे हैं ना, विकास का पंजाब में मैं झूठ बोलते हैं, पंजाब में मैं भी खालिस्तान मूवमेंट में जाता, मैंने कहा मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात मेरे मातरम, ये ड्रामा, ये आपको ड्रामा नहीं लगेगा, ये आपको ड्रामा नहीं लगेगा, प्लीज सर, प्लीज मिस्टर लोन, इट्स अ रिक्वेस्ट,